लखीमपुर के चर्चित प्रभात गुप्ता मर्डर केस में हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। क्या है यह आदेश और इसका प्रभात गुप्ता मर्डर केस में जो निर्णय आना था उस पर क्या प्रभाव पड़ा, केस कहां पर पहुंच गया एक जरा सी चूक के चलते, हमारे साथ बात करने के लिए सलिल श्रीवास्तव जी हैं। सर, कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है, क्या माना जाए साधारण भाषा में? देखिए, ऐसा है कि जो प्रभात गुप्ता हत्याकांड था उसमें मेरिट पे सेशन जज लखीमपुर खीरी ने एक उटल आर्डर पास किया 57 पन्ने में, और उसमें चारों अभियुक्त को निर्दोष पाया। उसकी वैधानिकता को चुनौती स्टेट गवर्नमेंट ने 16/24/2004 के द्वारा हाई कोर्ट में दाखिल की। जो चार लोग मतलब निर्दोष पाए गए उसमें अजय मिश्रा टेनी भी थे। अजय मिश्रा टेनी भी हैं और तीन और अभियुक्त हैं, चारों लोग बाइज्जत बरी हुए। उसकी वैधानिकता को स्टेट गवर्नमेंट ने अपील के माध्यम से चुनौती दी। जो इन्फॉर्मेंट कंप्लेनेंट है संतोष गुप्ता, वो मृतक के फादर हैं, उन्होंने क्रिमिनल डिवीजन एक फाइल किया, उसी आदेश की वैधानिकता को उन्होंने क्रिमिनल डिवीजन के माध्यम से चैलेंज किया था। वो यहाँ साथी में दोनों कनेक्टेड थे और दोनों विचाराधीन थे। लेकिन जो है 2005 में, आज से लगभग 17 साल पहले, उनकी डेथ हो गई, तो 90 दिन के अंदर इनको सब्स्टिट्यूशन अप्लीकेशन नाम कायमी की देनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं दी। उनके पार्ट पे त्रुटि है। जब कोर्ट ने देखा कि ये त्रुटि है और मरे आदमी के खिलाफ या मरे आदमी के फेवर में कोई फैसला सुनाया नहीं जा सकता, तो उनसे कहा कि आप जो है विधि अनुसार 90 दिन के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, जो नहीं दी, इसलिए आप इसको दीजिए और दे के एप्लीकेशन की कॉपी हमको दीजिए, हम उसका ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और वो मेरिट पे डिसाइड होगी। तब सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन जब अलाउ होगी, उनके उत्तराधिकारी सब की नाम कायमी होगी, तभी मुकदमे पर पुनः सुनवाई अग्रेतर होगी। मतलब ये माना जाए कि 17 साल से जो प्रभात गुप्ता मर्डर केस में जो राजीव गुप्ता जो पैरवी कर रहे थे, वो लीगली कहीं पे उसके एंटाइटल नहीं थे? लीगली वो एंटाइटल नहीं थे। कारण ये है कि रिवीजन में पहले सब्स्टिट्यूशन होगा, सब्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन 90 दिन के अंदर आएगी, वो एप्लीकेशन पे हमारा ऑब्जेक्शन के लिए हमें मौका मिलेगा। हम ऑब्जेक्शन भले ही कुछ ना करते, लेकिन उनकी नाम कायमी होती, वो मंजूर न्यायालय करती, उसके बाद लाल पेन से सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन के रूप में जो बिलाव हो जाती, तो एयर्स उनके जो है संतोष गुप्ता के उसमें नामित हो जाते और उनके वकील के वकालनामे लगते उनकी तरफ से, और वकालनामे के आधार पर वकील बहस करता। तो ये जो पूरी त्रुटि जो है उनके पार्ट पे है, हम लोगों पार्ट पे कोई त्रुटि नहीं है। हम लोगों ने पूरी बहस मेरिट पे अपील में 10 तारीख को करके कंक्लूड कर दिया, और जजमेंट जो है फाइनल जजमेंट के लिए माननीय न्यायालय ने डेट लगा दी। सर, 17 साल एक केस चलता है जिसमें जो वादी मुकदमा है, अगर ये कहा जाए तो वादी मुकदमा की डेथ हो जाती है, केस किसके नाम पर चल रहा, लीगली उसके जो वादी है वो स्टैंड नहीं कर रहा है, ये बड़ी चूक और ये अपने आप में एक अनूठा मामला नहीं है? अनूठा तो इसलिए बना दिया उन लोगों ने क्योंकि ये उनका रिवीजन स्वयं का दाखिल किया हुआ था, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे, करना उन्हीं को था, तो उन्होंने नहीं किया, ये त्रुटि उन्होंने की, हमारे पार्ट पर कोई त्रुटि नहीं है। और हमें चूँकि अनरेबली एक्टल किया जा चुका है, 57 पन्ने की जजमेंट हमारे फेवर में है, तो हमारे खिलाफ तो कोई चीज़ है नहीं। अपील विचाराधीन थी, अपील में हम लोगों ने मेरिट बहस की, पूरी बहस पूरे दिन चली, और माननीय न्यायालय ने सुनने के बाद जजमेंट को जो है रिजर्व किया। तो रिजर्व करने के बाद जजमेंट होने के लिए अब बाध्यकारिता ये थी कि रिवीजन उसका पार्ट था, तो रिवीजन जो कनेक्टेड था इसलिए रिवीजन की जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो कंप्लेनेंट के लड़कों को पूरी करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की, ऐसा तुट करके उन्होंने स्वयं में विलंब किया। ये कहा जाए कि जब निर्णय एक बिल्कुल प्रभात गुप्ता मर्डर केस का जब एक निर्णय के पायदान पर पहुंच गया, तो तब वहां पर ये आया कि जो कंप्लेनेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने उसको देखा कि ये त्रुटि इन्होंने की है, और मरे व्यक्ति के खिलाफ न तो फेवर में फैसला किया जा सकता न खिलाफ किया जा सकता है, इसलिए मरे व्यक्ति के जगह पे उसके जब उत्तराधिकारी आएंगे और उनका नाम सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तभी वो सुनवाई जो है विधिक रूप से हो सकती है। अब हम लोगों की कोई त्रुटि नहीं है, कोर्ट के नॉलेज में लाए नहीं, ये उनकी त्रुटि है, उन्होंने कोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए।
की 2005 में डेथ हो गई है, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। अब जनवरी के तीसरे सप्ताह में इसकी सुनवाई होगी, तो अगर हम साधारण भाषा में कहें तो क्या ये जब तीसरे सप्ताह में सुनवाई होगी तो नए सिरे से फिर से बहस होगी, फिर से नए सिरे से केस शुरू होगा? माननीय न्यायालय ने आदेश किया है कि सुनवाई है तो थर्ड वीक ऑफ जनवरी लगाया है, तो नए सिरे से सुनवाई होगी, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो वो भी पूरी बहस करेंगे और हमारी तरफ से बहस के लिए कहा गया है, हियरिंग में लगाया है। पहले सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन तय होगी, पहले सब्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन पर निर्णय न्यायालय करेगी, तब फिर पुनः सुनवाई शुरू होगी। जब उनके नाम सब उसमें आ जाएंगे उनके उत्तराधिकारियों के, उसके उपरांत ही जो है न्यायालय उस पर उनको सुनवाई का अधिकार भी प्राप्त होगा, उनको सुने जाने का अधिकार भी प्राप्त होगा, नहीं उससे पहले उनको कोई राइट नहीं। न्यायालय के नॉलेज में ये बात थी ही नहीं कि ये मर गए हैं। सर एक बहुत साधारण और आखिरी सवाल इस बात का है कि अब जब बहस होगी तो फिर एक को टाइम लगेगा, अभी एक यू कहा जाए कि लास्ट मोमेंट पे एक बड़ी चूक सामने आ गई। नहीं, गलती उनकी है, हम लोग तो बहस पूरी कर चुके हैं और पुनः दोबारा कर देंगे, हम लोग बहस के लिए कोई विलंबित नहीं करेंगे, हम लोग बहस के लिए तैयार हैं, भी तो बहस कर चुके हैं, तो मजबूरी है हमारी करनी, तो अगर जो न्यायालय कहेगी नए सिरे करिए, नए सिरे करने पड़ेगा, न्यायालय का निर्णय होगा, हम लोग उसको मानेंगे। तो ये जो पिछली बहस थी क्या उसको मान्य नहीं होगा? नहीं, तो उसमें देखिए ऐसा है कि जब वो केस जो है उसमें उत्तराधिकारी नए आ जाएंगे तो उनके पावर उनके लगेंगे, सबके वकालनामे लगेंगे, तो हमारी बहस तो हो चुकी है, लेकिन हम पुनः बहस करने के लिए हम तैयार हैं। माननीय न्यायालय ने डेट लगाई है कि हम आप बहस दोबारा करने के लिए ये डेट फिक्स की जाती है, तो हम लोग बहस करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सलील श्रीवास्तव जी, जिन्होंने बताया कि एक छोटी सी चूक ने कैसे प्रभात गुप्ता मर्डर केस में जो एक निर्णय आना था, कोर्ट का निर्णय कुछ भी होता लेकिन वो डिसाइड होना था, वहां पर जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया था उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी ने खुद का डिक्लेरेशन नहीं दिया कि अब उस केस को रिप्रेजेंट वो करेंगे, और इस चूक की वजह से अब एक बार फिर प्रभात गुप्ता मर्डर केस दोबारा हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए शुरू होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।